समाचार मंदसौर जिले के नाहरगढ़ से। एक बार फिर मानवता हुई शर्मसार, नाले में मिला लावारिस हालत में जीवित नवजात शिशु। नाहरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया नवजात शिशु को। नाहरगढ़ में एक जिंदा नवजात नाले में मिला, जिसे जिसने भी देखा उसका मन दहल गया। आखिर क्यों एक माँ को ऐसा करते, एक बार भी मन में यह बात नहीं आती कि मैं कैसे अपने बच्चे को अपने से अलग कर सकती हूँ। आखिर क्यों ऐसा करने वाले व्यक्ति के मन में थोड़ी सी भी हिचक नहीं होती। एक नवजात के साथ इस प्रकार का अमानवीय कृत्य कोई क्यों और कैसे कर सकता है? क्या उस नवजात शिशु को नाले में फेंकते हुए उस व्यक्ति के जरा भी हाथ नहीं कांपे होंगे? यही सवाल उन लोगों के मन में उस समय चल रहे थे जब उन्होंने इस दृश्य को देखा। नाहरगढ़ में एक नाले में नवजात शिशु संदिग्ध हालत में मिला, जिसने अभी दुनिया देखी ही नहीं, दुनिया समझी ही नहीं। दुनिया के ही किसी शख्स ने उस नवजात को दुनिया का अमानवीय दृश्य दिखा दिया। लेकिन आसपास के ही लोग, जिन्हें भगवान ने नवजात के लिए मानो फरिश्ता बनाकर भेजा हो, अपनी मानवता दिखाई। नाहरगढ़ में शाम 5 बजे बाईपास सड़क किनारे नाले पर बनी पुलिया के नीचे जिंदा नवजात के मिलने पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। उसके पश्चात मौके पर पुलिस ने पहुंचकर नवजात को नाहरगढ़ स्वास्थ्य केंद्र पर प्राथमिक उपचार के लिए पहुंचाया। उसके पश्चात 108 वाहन से मंदसौर जिला चिकित्सालय रेफर किया। पुलिस के मुताबिक नवजात का स्वास्थ्य अभी ठीक है, साथ ही पुलिस इस मामले की विवेचना में भी जुट चुकी है। मंदसौर संवाददाता देवेंद्र मौर्य की रिपोर्ट।